हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल शकूर है और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रोड्स। लेकिन दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इलेक्ट्रोड्स तो इलेक्ट्रोड्स एक्चुअल में मेटालिक प्लेट्स वायर्स या रॉड होते हैं जो जिसके थ्रू जिसके जरिए करंट जाता है इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और इसे बाहर जो है वापस भी आता है थ्रू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स आर मेटालिक प्लेट्स वायर्स आर रॉड थ्रू विच द करंट एंटर और लीव द सेल। यानी इलेक्ट्रोड जो है वो मेटालिक प्लेट्स वायर या रॉड है जिसके जरिए करंट सेल के अंदर जाता है यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर जाता है और वापस भी आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स ही के जरिए करंट कंडक्ट होता है इनटू द सोल्यूशन इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और उससे जो है वापस भी आता है लीव द सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स के जो है टू टाइप्स है, एक है कैथोड और एक है एनोड। यहाँ पर डायग्राम में मैंने ड्रा भी किया है, मजीद एक्सप्लेन करेंगे हम डिटेल से। अच्छा, कैथोड क्या है? कैथोड जो है वो इमर्स्ड होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, आल्सो एनोड, एनोड भी इमर्स्ड होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, दोनों इमर्स्ड होते हैं। ठीक है, डिप्ड होते हैं। अब कैथोड को जरा डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ फिर अटैच होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच होता है इसको हम कैथोड कहते हैं। ये वाला, ये जो है यहां पर डायरेक्ट करंट सोर्स के साथ अटैच हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है? वेयर द इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द सेल, यानी इसके जरिए जो है इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं इनटू द सेल इनटू द सोल्यूशन। ठीक है, तो जिस तरह इलेक्ट्रोड्स में मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी एंटर होता है इनटू द सोल्यूशन एंड आल्सो इलेक्ट्रोड के जरिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है करंट है ये बाहर भी आता है सेल से। ठीक है, तो कैथोड जो है ये अटैच होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ और इसके जरिए इसके थ्रू जो है करंट एंटर होता है इनटू द सेल इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब एनोड, एनोड जो है ये वो इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच होता है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनोड कहते हैं। यहां पर ये जो है एनोड है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच है। इसका काम क्या है? इसके थ्रू जो है करंट सेल से बाहर वापस जाता है। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसको एनोड कहते हैं और वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लीव द सेल, इलेक्ट्रॉन सेल से बाहर जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इससे बाहर जाता है। तो ये था कैथोड और एनोड। अब मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो किस तरह होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है जिसमें इलेक्ट्रोड्स है, यानी एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। ये एनोड है बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच है, और ये वाला कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच है। अब ये चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या होता है? केटाइन होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है? केटाइन है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनायन कहते हैं। तो जैसे ही हम इस सेल में करंट पास करेंगे तो ये जो एनायन है ये मूव होगा टूवर्ड्स एनोड और ये जो केटाइन है ये मूव होगा टूवर्ड्स कैथोड। मतलब यहां पर एनोड पर जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, मतलब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लॉस हुए। ठीक है, ये डिपॉजिट हुआ ये इलेक्ट्रॉन ऑन एनोड, तो हम कहते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है जो एनोड है इस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। दूसरी साइड पर अगर आप लोग देख ले तो यहां पर केटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये मूव हुआ टूवर्ड्स केथोड, के तौर पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन के तौर पर होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह हुआ? इस केटाइन ने जो है इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस केटाइन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, के तौर में जो इलेक्ट्रॉन है इसको गेन किया, तो यहां पर क्या हुआ? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन के तौर पर होता है और ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड पर होता है। किस तरह होता है? मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, दोबारा सुन लो कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनायंस और केटाइन्स है ये एनायंस है और ये केटाइन है। तो जैसे ही हम करंट पास करेंगे ये एनायन मूव होगा टुवर्ड्स एनोड, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लॉस हुए यानी ये डिपॉजिट हुआ ऑन एनोड, और यहाँ पर रिडक्शन हुआ यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। किस तरह? इस केटाइन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, कैथोड से ले लिया, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो कैथोड पर जो है क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इलेक्ट्रोड्स के बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया। अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको डिटेल से जो है एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड को एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टॉपिक है वो करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।